दोस्तों, क्या आपको पता है 5G टेक्नोलॉजी आने से विमानों के लैंडिंग में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हाल ही में कुछ एयरलाइन कंपनी ने US में कुछ एयरपोर्ट पे अपना विमान लैंड करने से मना कर दिया है, क्योंकि एरोप्लेन को लैंड होने के लिए सही ऊंचाई का पता करना बहुत ही जरूरी होता है कि कितनी ऊंचाई पे हमारा प्लेन उड़ रहा है। यह ऊंचाई एरोप्लेन में एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम अल्टीमीटर है, इसके उपयोग से किया जाता है। यह एक फ्रिक्वेंसी भेजता है जो फ्रीक्वेंसी 4.2 गीगाहर्ट्ज़ से 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है, जो पृथ्वी से लौटकर ऊपर जाता है और फिर ये डिवाइस रिसीव करता है। इससे यह पता करता है कि हमारी जो प्लेन है कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। लेकिन जो US गवर्नमेंट ने अपने कंट्री में पब्लिक इंटरनेट जो सी बैंड का अनुमति दिया है, इसका फ्रीक्वेंसी 3.7 गीगाहर्ट्ज़ से 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक है, जो लगभग अल्टीमीटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो क्लैप्स हो सकता है और जो अल्टीमीटर है वो सही ऊंचाई का पता न लगा पाए, जिससे प्लेन क्रैश भी हो सकता है। वहीं पर यूरोपियन यूनियन ने अपनी फ्रीक्वेंसी 3.3 गीगाहर्ट्ज़ से 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक रखा है, जो अल्टीमीटर के फ्रीक्वेंसी से बहुत ही कम है। यह सब देखते हुए जो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो बाइडन जी हैं, उन्होंने सभी कंपनियों से रिक्वेस्ट किया कि फिलहाल सभी एयरपोर्ट के आसपास 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग न किया जाए, फिलहाल उसे रोक लगा दिया जाए, जिससे प्लेन को लैंड होने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।